नेट पेमेंट मेथड में आपने कुछ नहीं करना, पेमेंट टू शेयर होल्डर्स को ऐड कर देना। मालिकों का पेमेंट, किसका पेमेंट? मालिकों का। मालिकों का पेमेंट जो है वो आपका होता है क्या? पीसी। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसमें सिंपल फॉर्मेट बना लो, पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर नीचे कैसे दिया जा रहा है, पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर नीचे कैसे दिया जा रहा है, दोनों को जोड़ दो, बाकी सब उल्लू बनाने के लिए, और आप उल्लू बन सकते हैं। आपने बचना है, सावधान रहना, इंटेलिजेंट बच्चे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, मेरा क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक्स लिमिटेड एग्रीज टू टेक ओवर बिजनेस ऑफ वाई कंपनी लिमिटेड, द कंसिडरेशन बीइंग द एजम्पशन ऑफ ट्रेड लायबिलिटीज ऑफ 50,000। हाँ, लायबिलिटी तो लेता ही है। पेमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन, ये भी पीसी का पार्ट नहीं है। द रिडम्पशन ऑफ बी डिवेंचर होल्डर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, वो तो टेक ओवर करेगा ही। द डिफरेंस डिस्चार्ज ऑफ ए डिवेंचर्स, दो तरह के, 4 लाख एट ए प्रीमियम ऑफ 8%, उल्लू बनाने के लिए दे रहा है। ये सब लायबिलिटीज का पेमेंट बता रहा है। लायबिलिटीज का पेमेंट पीसी का पार्ट नहीं है। लायबिलिटीज को बायर टेक ओवर कर लेगा और फिर पे करेगा। लायबिलिटीज की जो वैल्यू आएगी वो मार्केट वैल्यू ऑफ लायबिलिटी में माइनस होगी पीसी निकालने के लिए, अगर नेट एसेट मेथड लगाते तो ये सब उल्लू बनाने के लिए जान के पहले ये दे दिया। आप इसी को पढ़ते रहेंगे और इसमें उलझे रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो कहता है डिवेंचर्स को 8% प्रीमियम पर डिस्चार्ज करना, ठीक है। अब यहां शुरू हुआ द पेमेंट ऑफ ₹10 पर शेयर इन कैश एंड एक्सचेंज ऑफ 2 फुल्ली पेड शेयर्स एट ए मार्केट प्राइस ऑफ 15 फॉर एवरी 1 शेयर इन वाई लिमिटेड। और वाई लिमिटेड के शेयर्स क्या हैं? 20,000। अब इधर हर एक शेयर पे 10 का नोट दोगे तो 20,000 शेयर पे कैश कितना दोगे? 2 लाख। हा हा हा, कैसा लग रहा है? बाकी सब उल्लू बनाने के लिए था। 2 लाख। और कह रहा हर एक शेयर के बदले 2 शेयर देंगे ₹15 में। देखो इसके शेयर कितने? 20,000। 2 शेयर मिलेंगे ₹15 के, 6 लाख के शेयर हो गए। टोटल पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर्स को 8 लाख की होगी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई पेमेंट है ही नहीं इसमें, तो पीसी क्या आ गया? 8 लाख। पीसी में मेरे बच्चे सिर्फ पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऐड करना, और कुछ नहीं। मैंने लिख भी दिया, देखो, सावधान। तो करता है सावधान, we do not add any payment to debenture holders or towards realization expenses in PC। मैंने हिंट भी दे दिया, हिंट थोड़ी हिंटा है, ऊपर लिख भी दिया। Here PC is calculated by adding all payments being made to shareholders। ब्रैकेटों में लिख दिया मालिकों की पेमेंट है, और मालिकों में कौन आता है? इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस। नीचे बता भी दिया, डिबेंचर का पैसा, रिलेशन एक्सपेंस का पैसा मत लीजिए, धोखा देने के लिए दिया गया है। सिर्फ मालिकों का पैसा लेना। मालिक मतलब शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कितने प्रकार के होते हैं? 2, इक्विटी और प्रेफरेंस। दोनों का पेमेंट लो और जोड़ दो, आपका क्या आ जाएगा? पीसी। कैसा लगा जी?